बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है क्लास 5 की अमेजिंग साइंस पर। ये देखिए साइंस की बुक। और आज मैं आपके साथ लास्ट यूनिट, क्योंकि मैंने बाकी सारे यूनिट्स की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिया है, हमारा लास्ट यूनिट रह गया था यूनिट नंबर 12 स्पेस स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करूँगी। ये रही जी इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 109 पर। What are nebulae? Answer: There are a great clouds of gases and dust in space. These clouds are called nebulae. Question number 2: How are stars formed? Answer: Stars are formed in the nebulae. The force of gravity pulls gas molecules and dust particle together. As the mass of particle become tightly packed, it become hot. Question number 3: What is galaxy? Answer: An island of stars spinning through the space is called a galaxy. D: What are planets? Answer: Bodies that move around the sun are called planets. E: What is solar system made up of? There are 8 planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. F part: What are the planets and moon made up of? Planets are made up of balls of gases and moon is also made up of the same gases. What is an asteroid? An asteroid is a lump of rocky material in space. There are more than 40,000 asteroids. अब हम करेंगे करेक्ट स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को हमने खुद करेक्ट करना है। कुछ कोई सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। पहले पहला है स्पेस इन द एरिया बियॉन्ड आएगा, इनसाइड किस जगह आएगा, बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। सेकंड है देर इज एयर इन स्पेस, सेंटेंस बनेगा देर इज नो एयर इन स्पेस। अगला है ग्रेट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस आर कॉल्ड स्ट्रॉम, नहीं है वो है न्यूबलाए। अगला है द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जगह काट कर हमने लिख देना है ग्रेविटी पुल्स अ गैस एंड डस्ट पार्टिकल टू मेक स्टार्स। अगला नेक्स्ट है अ बैंड ऑफ स्टार्स इन द स्काई ऑन द डार्क नाइट इज कॉल्ड अ रेम्बो, नहीं बल्कि मिल्क वे, मिल्की वे। अगला है एन आईलैंड ऑफ स्टार्स स्पिनिंग थ्रू अ स्पेस इज कॉल्ड द मिल्की वे, को कट कर देंगे उसकी जगह लिखेंगे गैलेक्सी। बॉडीज दैट ट्रेवल अराउंड द डैश, मतलब सन को काटेंगे और प्लैनेट्स लिख देंगे, आर कॉल्ड मून्स। अगला है जब द मून इज डैश अ प्लैनेट नॉट अ प्लैनेट, अ लंप ऑफ रॉकी मटीरियल इन स्पेस इज कॉल्ड अ एस्ट्रॉयड। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई हमारी। पहली ब्लैंक है, ये देख लीजिए ब्लैंक्स, आप बेशक खुद नोट डाउन भी कर सकते हैं, इजीली आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी हमारी ब्लैंक्स हैं, ये देखिए ये थी सारी ब्लैंक्स, आप इन्हें फिल अप कर लें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 12 स्पेस स्टार्स एंड प्लैनेट्स की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।